एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। चलिए, मेरा नाम है एचएम हानी, हम चुराईबड़ी पब्लिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे स्कूल के इस चैनल पर। आज हम आए हैं आपके साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करने जो स्टोरी है ऑनेस्टी के ऊपर, मतलब ईमानदारी के ऊपर। देखते क्या है ये स्टोरी। यह स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची का जो स्टैंडर्ड वन में पढ़ती है, जिसका नाम है रिया। रिया को उसके दोस्त लोगों ने बोला था कि रास्ते में एक टेस्टी आइसक्रीम का दुकान खुला हुआ है, चलो जाके आइसक्रीम खाते। रिया को अपनी दादी माँ के लिए एक आइसक्रीम लेना था, लेकिन उसके पास तब इतना पैसा नहीं था कि वो दादी माँ के लिए एक आइसक्रीम खरीद पाए। वो लोग जब रास्ते पर चल रहे थे, अचानक से रिया को एक 10 रुपये का वाला कॉइन रास्ते में पड़ा हुआ मिला। तब उसने सोचा कि ये 10 रुपये का कॉइन उठाए या क्या करे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि नहीं उठाना है। ये बहुत बैड हैबिट है, ख़राब हैबिट है कि ये पड़ा हुआ पैसा उठा के कुछ खरीदना। तो उसने ये वो पैसा उठा के एक डोनेशन बॉक्स में डोनेट कर दिया, दान कर दिया। फिर वो अपने पास वापस अपने घर आ गए। शाम को जब उसके पापा घर लौटे, उन्होंने एक आइसक्रीम लेके आया रिया के लिए और बुला के रिया को बोल रहे थे कि रिया तुम आओ, आइसक्रीम लेके जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक आइसक्रीम लाया क्योंकि तुमने एग्ज़ाम पे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तब रिया बहुत खुश होके आए थे, आके वो आइसक्रीम लेके अपनी दादी माँ को आइसक्रीम दे दिया। और जो 10 रुपये का वाला मतलब कॉइन जो है रास्ते में गिरा हुआ था, उसके बारे में दादी माँ को बोला। और दादी माँ वापस रिया को बोल रहे थे कि रिया तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुमने वो ईमानदारी तुमने दिखाई है, यू आर ए गुड ऑनेस्ट यू नो गाइड। तो ये जो ऑनेस्टी का और जो जो ईमानदारी का जो मतलब साइन है वो रिया के अंदर, तो ऐसे जो है ये ईमानदारी ऑनेस्टी का जो साइन है ये हमारे सब बच्चों के अंदर रहनी चाहिए। यही है इसका इम्पोर्टेंट जो है जो से मतलब जो समारी जो है यही है कि हर बच्चे के अंदर, इवन हर इंसान के अंदर ये ऑनेस्टी, ये ईमानदारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही शेयर करना था। नेक्स्ट वीक कुछ और लेके आएंगे आपके साथ। जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।